अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल स्टिचिंग विद अल्लाह में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेसिक कोर्स में स्टाइलिश बेल्ट वाली शलवार सिखाऊंगी, जिसे हम ज्यादा चुनट वाली शलवार भी कहते हैं। लेकिन सिखाने से पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम वीडियोज के साथ ही अप टू डेट रह सके। अब मैं आपको एक नॉर्मल हाइट की 5 से 5 फुट तक की हाइट की लड़कियों की शलवार का साइज बताने लगी हूँ। लेकिन आप अगर हाइट लंबी है या छोटी है तो इसको आपने उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। ये आप जिसकी मैं शलवार आपको सिखा रही हूँ, ये है 5 फुट 5 इंच जिसकी हाइट है, तो इसकी 41 इंच लंबी शलवार होगी। ये देखें, मैंने ये 22 इंच लंबी इसकी लंबाई रख ली है, 32 इंच 32 इंच 32 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है, और अब मैं 9 इंच इसका पोंचा रखूंगी। ये देखें, इस तरीके से आपने 9 इंच इसका पोंचा रख लेना है। अब ये देखें, ये आम रेगुलर बड़ जितना कपड़ा है इसके लिए, क्योंकि हमने ज्यादा चुनटों वाली सलवार बनानी है बेल्ट वाली, तो हम इसके आसन में यहाँ पे और कपड़ा डालेंगे। मैंने 32 इंच सलवार की लेंथ ली है, तो उसके हिसाब से मैंने आधा इसको रख लिया है। ये तकरीबन हमारा 16 इंच बन जाएगा। ये मैंने अंदाजे से इसका हाफ रख लिया। अब इसको साथ मैं पोंचे के साथ ले जाकर सलवार की कटिंग करूंगी। ये देखें, जहां पे हमने पोंचे का देखे निशान एंड किया था ना 9 इंच, वहीं से हमने ऐसे सिर्फ सीधी लाइन लगानी है। यहाँ पे इंचेस का कोई तल्लक नहीं है, सिर्फ लाइन लगानी है आपने इस तरीके से। ये देखें, ये आपको सलवार की शेप नजर आ रही है आपको। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, और जो यहां से कपड़ा उतरेगा वो यहां पे डाल लेंगे, ताकि ज्यादा चुनट हो जाए। ये देखें, एक बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि ये जो है ये सांझा कपड़ा लेना है आपने, जो इकट्ठा होगा, और जो अलग कटिंग वाला है वो आपने इस साइड पे रखना है। ये बात आपने याद रखनी है, ये ना आप सलवार गलत कर दें। ये देखें, ये अब मैंने पोंचा काट दिया। और अब मैं इधर से इसकी नाली की कटिंग करूंगी। ये देखें, अब मैं इसके आसन में या म्यामी में इसके कपड़ा डालूंगी। ये देखें, अब ये जो इसके साथ पोंचों के साथ कपड़ा निकला था वही मैं इधर डाल रही हूँ, मैंने कोई नया कपड़ा नहीं लिया, ये आप देख सकती हैं। अब इस म्यामी को मैं इसके साथ जोड़ दूंगी। ये देखें, इस तरह आपने जोड़ देना है, और यहां से आपने 10 इंच अपना रखना है। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने इसको जोड़ दिया। अब यहां से हमने 10 इंच अपना आसन या म्यानी पूरी करनी है। ये देखें, ये मैंने 10 इंच का रख लिया, ये आप देख लें इस तरफ से। ये हमने इसलिए ज्यादा किया, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद हो कि हम ज्यादा चुंटों वाली बेल्ट वाली शलवार कट कर रहे हैं, जिसे पटियाला शलवार भी कहते हैं। ये देखें, अब यहां से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, तो इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। ये देखें, इसके साथ मिला के मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। बस ये देखिए, मैं इसकी कटिंग करने लगी। ये एक्स्ट्रा कपड़े के मैं शेप एक जैसी होगी इनकी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने कितना इसका बार रखा है। ये देखें, एक साइड का 26 बार है। अगर हम इसको पूरा गिने राउंड में काउंट करें तो ये 52 हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा चुनट पड़ जाएगी आपकी शलवार को।
अगर आपको मजीद करना है तो फिर और इसके अंदर कपड़ा ज्यादा डाल लीजिए। अब इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब ये देखें, मैंने वो ही बचे हुए कपड़े को खोला है, खोल कर अब ये चूंकि मैंने आपको बताया ये स्मार्ट लड़की का वो शलवार हम सी रहे हैं, तो हम इसकी 23 इंच चौड़ी लंबी बेल्ट रखेंगे। ये देखें 23, ये भी मैं थोड़ी खुली रख रही हूँ क्योंकि लॉन्ग है तो लॉन्ग शिलिंग होती है। ये देखें 23 मैंने रखा है, अगर इससे ज्यादा स्मार्ट है तो आप 21 या 22 भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह मैंने निशान लगा है 23, और अब 9 इंच लंबी, 9 से ज्यादा नहीं डलती, अगर आप ज्यादा डालेंगे तो वो फिर नीचे लटकी लटकी नजर आएगी आपको, जैसे बाजार वालों की होती है। ये देखें इस तरह आपने 9 इंच की कर लेनी है। इधर से भी मैं 9 इंच का निशान लगा लेती हूँ क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। ये यू निशान लगा लूंगी, ये देख ये एक लंबा कपड़ा हमने इसको 23 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा रखा है। आप जो सी मर्जी बेल्ट की शलवार सियेंगे, जैसे मर्जी नीचे की डिजाइन हो, लेकिन ऊपर हमेशा इसी तरह और इतने ही साइज की 9 इंच की बेल्ट कटेगी, इससे ज्यादा कम या छोटी बेल्ट नहीं डलती। और ये देखे मैंने डबल कपड़ा लिया, आपने भी डबल लेना है। अब मैं सिर्फ इसको अपनी तरफ कर रही हूं ताकि कटिंग में मुझे आसानी हो। ये आपने याद रखना है हमेशा 9 इंच की आपने लेनी है बेल्ट, इससे कम या ज्यादा नहीं करेंगे आप। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे, ये इसकी बेल्ट बन गई। और नेफे के लिए मैं अंदाजन आपको बता देती हूँ, आपने 1.5 इंच ये 2 इंच का आपने कर लेना। छोटा सा टुक लगा दिया, इसका मतलब ये नेफे के लिए, और इसको बाद में आप जब नेफा करेंगी सिलाई करेंगे तो तब इसको ऐसे कर लेंगे। ये समझाने के लिए आपको बोल, ये अब हमारी बेल्ट भी रेडी हो गई है। ये देखे व्यूअर्स, अब हमारी बेल्ट की ज्यादा चुनट वाली शलवार जो है उसकी कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये इसके पैंचे हैं, ये मैं आपको अलग अलग करके भी दिखा देती हूँ। ये चीज, ये इसके चुनट ज्यादा करने के लिए जो हमने सेंटर में कपड़ा डाला जिसको मियानी यासिन का कपड़ा कहते हैं, ये वो है। और इसके साथ ये ऊपर बेल्ट है, ये दोनों तरफ से इतनी इतनी सिलाई जाएगी, फिर इसको आप चुनट डाल लेंगे। आप ये जो चुनट है वो आपकी अपनी मर्जी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप देख भी लेंगे कि आप पोटे वाली चुनट भी डाल सकते हैं और फ्रॉक वाली चुनट भी डाल सकते हैं, वो हम दोनों ही तरीकों से आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसका स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।